कार आओ शहीदों की कुर्बानी को याद करें। आज शहीद मदनलाल ढींगड़ा जी का शहीदी दिवस है और हम आज पल पल व सिरसा स्पोर्ट लाइव पर आपको शहीद मदनलाल ढींगड़ा की कुर्बानी को याद करेंगे। और मैं सुरेंद्र भाटिया और मेरे साथ हैं प्रदीप सचदेवा जी और हम बात करेंगे क्या हम शहीदों की कुर्बानी को समय के अनुसार भूल रहे हैं अथवा उनको याद कर रहे हैं। प्रदीप जी आपका स्वागत है पल पल पे और सिरसा स्पोर्ट लाइव पे। क्या लगता है शहीद मदनलाल ढींगड़ा का शहीदी दिवस आज सिरसा में मनाया गया? जी, शहीद मदनलाल ढींगड़ा की कुर्बानी को आप किस श्रेणी में रखते हैं? वैसे कोई कुर्बानी की श्रेणी नहीं, कोई कम नहीं होती, कम नहीं होती, लेकिन मदनलाल ढींगड़ा को अभी भी बहुत कम लोग याद करते हैं, उसके क्या कारण है, इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले तो इस हमारे लाडले शहीद को मैं कहता हूं सल्यूट करना बनता है। इसलिए सल्यूट करना बनता है भाटिया जी, क्योंकि वो ऐसा हमारा शहीद हुआ है जिसको ये भी पता था कि हो सकता है वो सामने ही ना आ पाए अपनी कुर्बानी के बाद, गुमनामी में ही रहे, और वो 68 साल तक वो गुमनामी में भी रहता है। 1909 में वो शहादत देता है और 1977 में पता चलता है कि मदनलाल ढींगड़ा नाम का कोई शहीद भी है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। उसके बावजूद वो बंदा क्या काम करके जाता है अपने देश के लिए। वो जो वहां पर अदालत में जो केस लड़ता है, वहां पर जो बातें उसने जो रिकॉर्ड में हैं अब, और जो उन्होंने वहां पर कही है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सिरसा से हिसार से उनका संबंध था। उनके पिता सिविल सर्जन थे हिसार में और वो अंग्रेजों के बहुत खास थे, सर की उपाधि उन्हें मिली हुई थी, इसलिए उनके घर में अगर ऐसा कोई क्रांतिकारी पैदा हो गया तो उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, पूरे परिवार को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पूरा परिवार अंग्रेजों के साथ था और वो इसका विरोध भी करते थे। लेकिन उसने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी, कॉलेज से भी एक्सपेल किया गया था उससे पहले लाहौर में उनको, और सभी भाई उनके बाहर पढ़कर आए थे, इसलिए उसको भी भेजा गया कि शायद बाहर जाकर ये सुधर जाए। ब्रिटेन में जैसे ही वो जाता है वहां पर वीर सावरकर और कृष्ण वर्मा जी उनके संपर्क में आता है। मैं प्रदीप जी एक बात ना, जी जी एक बात, 68 साल की गुमनामी पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसका उल्लेख किया, लेकिन हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। 1883 में उनका जन्म होता है, 18 सितंबर 1883 को उनका जन्म होता है जी जी। और 1 जुलाई को वो लॉर्ड कर्जन वैली को गोली मारते हैं इंडिया हाउस में, और उसके केवल 47 दिन बाद 17 अगस्त को उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। 17 अगस्त 1909, उससे लेके 1977 तक किसी को नहीं पता था भी ये कोई शहीद भी, कोई मदनलाल ढींगड़ा शहीद भी हुआ है, जबकि 1947 में हमारा देश जो है वो आजाद हो गया। तो 1977 में शहीद उधम सिंह जी की अस्थियां लेने जब गए, तो मैं उन अंग्रेजों को भी सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने कहा आपका एक नहीं, आपके दो शहीदों की अस्थियां यहां की अस्थियां यहां है। तो उन्होंने हमें हमारे शहीद को याद दिलाया और वो अस्थियां जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आई तो उसके बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उनको सलूट किया और बाकायदा उनको एक राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने जहां से बात शुरू की थी, मैं फिर लाना चाहूंगा, जिस ढंग से उनको 1977 में राष्ट्रीय सलूट किया गया, उस ढंग से शायद हम उनको याद नहीं कर पाए, उसका क्या कारण रहे? उसका कारण यही है कि जिस तरह से बहुत सारे हमारे शहीद बहुत पॉपुलर हुए, उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाया, 68 साल तो उसका पता ही नहीं चला उसके बाद भी। और कमाल की बात यह है कि उस परिवार ने क्लेम नहीं किया कि हमारा ये शहीद हुआ है जिसका वो बच्चा था, उन्होंने क्लेम नहीं किया। उसके बाद उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन मैं तो टोटलिटी में कहता हूं भाटिया जी, और शहीदों का हम कितना सम्मान कर रहे हैं,
और शहीदों के शहीदी समारोह में अपने आप से लोग चलकर कितने पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहीद मदन लाल ढींगड़ा के साथ भी वैसा ही बर्ताव हम कर रहे हैं। वो आदमी जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हम उसे याद करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसलिए वही वो गुमनामी में रहा क्योंकि उस तरह की तब प्रचार माध्यम नहीं थे। अब माध्यम है तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग जागें। कम से कम ऋण है मदन लाल ढींगड़ा का लोगों पर, वो चुकाएं, उसको याद करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। नहीं, सबसे बड़ी बात जो शहीदी की बात, जो मदन लाल ढींगड़ा की बात है, हालांकि शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह की श्रेणी में जो शहीद मदन लाल ढींगड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के घर में साधन संपन्न था, उस समय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO जो होता था जी, वो एक बहुत बड़ा अधिकारी माना जाता था, जो अमृतसर जैसे बड़े जिले का CMO था, अंग्रेजों के साथ आना जाना था, और जिस लॉर्ड कर्जन वैली को उसने मारा था वो ही उसका अभिभावक, इंग्लैंड में वही उसका अभिभावक था, उसके बाप का दोस्त था। इसलिए उस परिवार ने उसको ऑन नहीं किया जब, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, उनकी संगत अंग्रेजों के साथ थी, तो उन्होंने कहा जी मेरा बेटा ही नहीं है जिसने ये कर्म कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है, अभी 1977 में भी जब उसके जो अस्थियों को भारत में लाया गया, तब भी परिवार ने शायद क्लेम नहीं किया तब भी जो, हाँ, तो जो सबसे ज्यादा वो बात लगती है, हैरानी वाली बात लगती है। लेकिन हमने धीरे धीरे, जैसे आपने कहा, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, जो कुछ लोगों तक इसकी आवाज पहुंचा रहे हैं, तो शायद मदन लाल ढींगड़ा को लोग याद करने लगे हैं। और आज से 2-3 साल पहले तक तो उनको याद सिरसा में कम से कम नहीं किया जाता था, और जगह था, और जगह कुछ जगह पे कुरुक्षेत्र में करनाल में होता, और पंजाब गवर्नमेंट तो बकायदा रूप में प्रतिवर्ष राज्य स्तर का एक कार्यक्रम आयोजित करती है। और मैं हरियाणा गवर्नमेंट से भी इस बातचीत के लिए मांग करता हूं कि वो भी मदन लाल ढींगड़ा का एक राज्य स्तर का स्मारक बनाए, वो कहीं भी जहां भी बनाना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र में बनाए, करनाल में बनाए, सिरसा में बनाए, और एक कार्यक्रम कम से कम उनके नाम से होना चाहिए जी, बिल्कुल। राजनेताओं के नाम से कॉलेज और हॉस्पिटलों की बजाय हमारे शहीदों के नाम से हो तो वो ज्यादा उचित है और लोगों को अच्छा भी लगेगा। सिरसा की अगर बात करूं तो मैं भाटिया जी को बधाई दूंगा इसके लिए, चोपड़ा जी और भाटिया जी ने नागरिक परिषद के माध्यम से, जैसे ही ये जो सरकार आई, मैं भी लगातार इनको कह रहा था, चोपड़ा जी को भी मैंने कई बार कहा कि ये अब मौका है और आप इस तरह का काम करें, और उन्होंने ये किया, ये बधाई के पात्र भी है। नागरिक परिषद जो आपकी संस्था है उसके माध्यम से आपने किया, और सिरसा में एक नाम लेना शुरू तब से ज्यादा हुआ कि मदन लाल ढींगड़ा हमारे कोई शहीद है। मैं आपको इसकी छोटी सी, चलो आपने जिक्र कर दिया है तो मैं ये अपने आप को निमित्त समझता हूँ भी, ये हो गया, हमने भी कभी नहीं सोचा था, और मुझे भी कम से कम 2008 से पहले इसका ज्ञान नहीं था। एक दिन चोपड़ा जी ने जिक्र किया और हमने इनके शताब्दी वर्ष मनाना था, और हम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद को इनविटेशन देने के लिए 7-8 लोग सिरसा से चोपड़ा जी के नेतृत्व में गए, तो लेकिन उस समय वो नहीं हो पाया, वो समय नहीं दे पाए, तो हमने एक कार्यक्रम छोटा सा सिरसा क्लब में किया, तो वो पहला कार्यक्रम था मदन लाल ढींगड़ा का उनकी शहीदी के 100 वर्ष बाद। हाँ हाँ। सिरसा में कम से कम कुछ लोगों को 50-100 लोग भी शामिल था, आप भी शामिल थे, तो उसके बाद पता नहीं क्या, जो भी सुप्रीम पावर है उसने हमें ये शक्ति दी और उनकी प्रतिमा आज लगी, तो हमारी पीढ़ियां शायद इसको, जो भी आएंगी उनको याद करेंगी। मैं भाटिया जी एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, कोई नहीं देना चाहता, जो दे गए हैं कम से कम उनको याद तो करें। हर साल हम अपने आप से ही, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, 2 दिन बाद इनका शहादत दिवस होता है, ये तो हमें याद ही हो जाना चाहिए। जैसे 23 मार्च हमें शहीद भगत सिंह का नाम याद रहता है, उनकी शहादत याद रहती है, तो ये तो बड़ा आसान है, 15 अगस्त के बाद एक दिन छोड़ के अगले दिन खुद ही अपने आप लोगों को चल कर आना चाहिए। और उनका ऋण हम चुका नहीं सकते हैं, इतना करके हम सिर्फ याद कर लें और अपने शहीदों को, उनकी जो विरासत है उसको अगर हम याद कर लें और उन्होंने क्या किया है इसको उस दिन पढ़ लें, आपने भी आर्टिकल छापा है, मैंने भी अपनी साइट पर छापा है, उसको अगर पढ़ लें, हमने पॉइंट्स में छापा है, आपके पास समय कम होता है, पाठकों के पास, बहुत शॉर्ट में छापा है, उसको अगर आप पढ़ लें
तो भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें लोग जुड़ेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। नहीं, वो सबसे बड़ी बात, मैं अंत में इसको, जो इनकी बड़ी कुर्बानी ये है, जिसका माहौल अंग्रेजों, जिसके परिवार में अंग्रेजों टाइप माहौल हो जी, तो वहां से उठ के जाना, और जो भी व्यक्ति इंग्लैंड में जाके किसी अंग्रेज अधिकारी को गोली मारने तक जा रहा है, तो उसको पता है मेरा हश्र क्या होना है, और उसने बड़ी बहादुरी से उसी समय, पहले तो उनको मारने के बाद अपने आप को गोली मारने की कोशिश की और आत्मसमर्पण किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको पता था भी आज मेरा ये अंतिम दिन है। वो ठीक है भी, वो 1 जुलाई की बजाय और 47 दिन बाद आया, लेकिन हम उसकी कुर्बानी को सलाम करते हैं, और हमारे जो भी दर्शक जुड़े हैं वो उसको याद करें, और देश के लिए इन्हीं शहीदों की वजह से आज हम आजादी के वातावरण में सांस ले रहे हैं। जो साथी जुड़े लाइव, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाटिया जी और मैं, हम आपको जय हिंद बुलाते हैं। नमस्कार जी।